विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां आबे वाले महीना में नगर निगम का बजट पेश हुई, जो कि खीतेर नगर निगम महापौर नया नवाचार शुरू किए हैं। बताई दें कि अपने घोषणा पत्र के अनुसार जनता के राय से बजट पेश करे के वादा के तरफ बढ़े के महापौर फैसला लिए हैं और 5 जनवरी से 5 फरवरी तक लोगन के राय मांगी जाये, जो कि खीतेर आयुक्त और महापौर कमरा के बाहर मसविरा बॉक्स लगाई है, जौने माँ लोग अपन राय दे ही साथ है। नगर निगम के अंदर शिकायतन के जल्दी निराकरण के खीतिर लेटर बॉक्स लगवावा जाई और शिकायत बॉक्स के प्रतिदिन खोल के ओखर शिकायतन का इकट्ठा कीन जाई और निराकरण कीन जाई। अपना पंचे सुनी नगर निगम महापौर के द्वारा कीन जाए रहे नवाचार के संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा का कही नहीं। बजट के सुझाव के लिए हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि जनता से सुझाव लेकर बजट बनाया जाएगा, तो दिनांक 5 जनवरी 2023 से दिनांक 5 फरवरी 2023 तक हम लोग एक सुझाव पेटी रखेंगे यहाँ पर नगर निगम में महापौर और आयुक्त के कमरे के सामने, जिसमें एक महीने तक रीवा के संभ्रांत प्रबुद्ध लोग इसमें अपने सुझाव डालेंगे और उसको हम 5 फरवरी को खुलवा कर 6 फरवरी को इसके बाद उससे सुझाव लेंगे और उसके अनुसार जो हमारा मार्च में बजट आएगा उस बजट पे हम चर्चा करवाएंगे। एक तो ये है, दूसरा एक और पेटी हम रखवा रहे हैं जिसमें शिकायत होगी, वो शिकायत होगी भ्रष्टाचार की, वो शिकायत होगी अवैध निर्माणों की, वो शिकायत होगी कोई घूस मांग रहा है, वो गोपनीय रखी जाएगी। वो एक सुझाव एक शिकायत पेटी भी हम रखवा रहे हैं कि जिससे कि किसी को कोई शिकायत हो वो पेटी हमारी रोज़ खुलेगी, एक 24 घंटे की उसकी शिकायत कलेक्ट होगी, हर प्रतिदिन खुलेगी और उसमें जिसके लिए जो शिकायत होगी, जैसे आयुक्त के लिए होगी तो आयुक्त के यहाँ चली जाएगी, महापौर के लिए होगी तो महापौर के पास चली जाएगी, उस शिकायत पेटी का हम लोग निराकरण करेंगे। जैसे हमारी एकल खिड़की योजना बड़ी सफल चल रही है, उसी तरह हमारी मेयर हेल्पलाइन का भी आज फाइनल हो रहा है, उस पर डिमोटेशन हो रहा है, कमिश्नर आज उसका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वो भी टेंडर फाइनल होगा। जिस तरह करके हम लोग सत धीरे धीरे करके शहर के विकास की एक धारा की ओर बढ़ रहे हैं और जिसमें हमको रीवा के नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनसे अपेक्षा है आगे भी सहयोग करते रहेंगे। रीवा जिला के चिरौला मंदिर के लगे 3 दशक से अतिक्रमण कई के बनाए गए घरन का नगर निगम के अमला के द्वारा पुलिस के मौजूदगी में धराशायी कई दिन का है। हालांकि अतिक्रमणकारी आरोप लगाए हैं कि उनका कौनो मेयर के सूचना नहीं दीन गई रही और सामान का निकाले तक के मौका नहीं दीन गा। एक कड़कड़ाट ठंड में बेघर कई दिन का है लोगन का प्रशासन मां बेरहमी के आरोप लगाई थी। अपना पंचे देखी पूरी कार्यवाही और सुनी बेघर भय लोग का कहल्ला है। चिरौला मंदिर गेट ये पार्षद रहे हैं, सब रहे हैं, नगर निगम द्वारा घर गिरा है, कोई नोटिस नहीं दिए गए, हम गरीब आदमी तो हमारा सब दादापत हो गया, लाभ मिलना यहाँ 25-30 साल से 25-30 साल से रह रहे हैं, कोई नोटिस शासन नहीं दी हमको, एक एक सुबह से आके गिरा के हटो भागो मारो ये सब कर रहे हैं, अकेले आदमी मैं क्या कर दूँ। अब देख लीजिए आपके सामने पूरा मकान मेरा धराशाही कर पा सामान आप देख लीजिए, नेट में सर्च करिए, मंत्री तक ये बात पहुँचा दिए, मेरा नोटिस भी नहीं सब दिए, मेरा देख लीजिए पूरा सामान रद्दबद्ध कर दिए, अब क्या करेंगे भाई साहब, फूट पाट में है, मांगेंगे खाएंगे ऐसे करेंगे, अब तुम्हारा तो देख लिया आप सब भाई, मेरे पे कारण है 2-3 घर गिरा है, बाकी तो कोई कारण नहीं बता रहे हैं, अब सब कह रहे हैं सबका आज कमर गिरेगा। गांजा तस्करी में फरार चल रहे आरोपी अभिमन्यु सिंह का अमहिया पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बतावा जात है कि मुखबिर से सूचना में पुलिस चिरौला कॉलोनी से आरोपी का हिरासत में ले ली थी। पकड़े गए आरोपी के संबंध में जानकारी देते समय एडिशनल एसपी अनिल सोनकर बताएं कि सतना जिले के कुलगवा थाना में आरोपी के खिलाफ गांजा तस्करी के मामला दर्ज है, जौनी में सतना पुलिस कई से 10,000 रुपया के इनाम के घोषणा की गई रही। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ रीवा में मामला दर्ज है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जात लागी। पकड़े गए आरोपी के जानकारी सतना पुलिस में भय तरीवा पहुंची ही और अब सतना पुलिस आरोपी का रिमांड में ले सका थी। कल अमहिया पुलिस ने चिरौला कॉलोनी से अभिमन्यु सिंह को पकड़ा है, इसके ऊपर 10,000 रुपये का
इनाम था। गांजे का एक प्रकरण कुलगामा सतना में इनके विरुद्ध कायम था और ये फरार थे। 2021 में उसकी कायमी हुई थी और ये लगातार फरार थे। इनके ऊपर 10,000 का इनाम सतना पुलिस द्वारा किया गया था। मुखबिरों की सूचना पर, जानकारी मिलने पर अमहिया पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके पुराने रिकॉर्ड भी देखे गए हैं, दो मारपीट के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है अन्य प्रकरणों के संबंध में। अभी उनसे पूछताछ चल रही है, अभी कोई नई जानकारी आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों से शेयर करेंगे। खबर रीवा जिला के पनवार थाना के ग्रीन वर्ड स्कूल से ही, जहां दबंग स्कूल के अंदर घुस के मारपीट की ही बताई दी। यह मामला कुछ दिन पहले के आए, जहां पनवार थाना के अंदर ग्रीन वर्ड स्कूल के वाहन और बस में टक्कर भय रही है, जौने में दुई बिटियन के जान चली गई रही है। जेके बाद 3 के संख्या में युवक बाउंड्री कूद के पहुंचे और मास्टर विजय कुमार सिंह के बल्ला से मारपीट की और उनके सिर में कट्टा लगाए के सभी शिक्षकन का जान से मारे के धमकी दी थी। बताई दी कि पुलिस जांच के बाद यह पता चल सका था कि कानून का हाथ में ले वाले कोआ ही और शिक्षक की शिकायत में पुलिस घायलन के मेडिकल कराई के जांच में जुटी है। इनके साथ क्या हुआ है? इनके साथ मारपीट हुआ है। आप लोग इसी स्कूल के हैं? यस सर। इनके साथ कौन मारपीट किया है? इनके साथ 3 लड़के आए थे, मार के चले गए। क्या पता है आप लोगों को कौन है? मुझे नहीं पता है। क्या आप लोगों से कोई को पता है, क्या जानकारी है किसी को? कहाँ के? कुछ सिंह है। कहाँ के हैं? काहे से मारपीट किए हैं? बैट से मारे हैं। इसी बैट से मारे हैं? क्यों ले रहे हैं? कितने बैट से मारे हैं? कितने बैट मारे? हम फिर चले गए थे। अब बाकी की जानकारी वो देंगे। वो कितने कितने बैट मारे हैं इनको? इनको कम से कम 10 बैट मारे होंगे, 10-12 बैट। साथ में कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम साइलेंट प्रजापति है। और कुछ लिए थे? कट्टा भी लिए थे। कट्टा किस तरह था? कट्टा काला 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 रंग। तो कट्टा से भी मारे हैं क्या कहीं? कट्टा लगाए थे, मारे नहीं है। हाँ हाँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची औरत आपन आप बीती सुनाई सी, बताई दी के अपने गाँव के लालजी तिवारी और उनके परिवार वालन के ऊपर दरवाजा तोड़ के घर में कब्जा करे के आरोप लगाई सी। इतने नहीं, औरत यह बताई कि स्थानीय पुलिस ओखे मदद नहीं करत लागी आए, जिसके कारण ओखे घरे में आरोपी कब्जा कर ली थी। बताई दी कि पीड़ित अनीता सुहागी थाना क्षेत्र के अंजोरा के रहने वाली है, जिसके द्वारा यह बतावा गया है कि ओखे लगे सगली घटना के वीडियो है। वह छोटे लाल मिश्रा से घर खरीदे रही, जिसके बाद से दस्तावेज ओखे नाव में है, लेकिन गुंडई के दम में लोग ओखे घर में कब्जा कर ली थी। अपनों पंचे देखी उक्त वीडियो, जौन महिला पुलिस के साथ मीडिया का दी है और देखी के कौन मेर से दरवाजा तोड़ के कब्जा की जांच ला गए एक पीड़ित के घर में और फिर सुनी महिला अपन आप बीती कौन तरह से सुना रही है। हाँ हाँ, तू करा क्या है? तुम्हारे नाम रजिस्ट्री पड़ता है, तू तोरा ताला। हम तो उसे लपटी लपटा ना कर, तू बता ना कि छोट बहनी है तू, वहाँ बड़ी बहनी है। जा जा जा, हाँ। मेरा नाम अनीता है, मैं अजोरा से आई हूँ। लालजी तिवारी मेरे घर में जबरदस्तन 2:30 बजे के करीब, मैं घर में अकेली बैठी थी, मेरे घर में घुस गए और मुझे मेरे साथ बहुत अभद्रता से पेश आए, मुझे छेड़े, मेरे साथ गंदी गंदी गालियाँ दिए, मुझे घसीटे, मेरा बाल पकड़ कर के भी घसीटे और मेरा मंगलसूत्र एक मेरे गले का उतार के छीन के लेके चले गए।
फिर जब मैं जब वो भाग गए तो घर से मैं बाहर निकली और घर का लॉक लगा के, बगल में मेरे भाई का घर था एक घर के बीच में, तो मैं वहाँ गई, सारी हिस्ट्री अपने भाभी से बताई। मेरे भाभी लोग घर में नहीं, भैया लोग मेरे घर पे नहीं थे, मेरी भाभी बस्ती, मैं उनको घर से लेके आई और घर पे लॉक लगाई और मैं उन्हीं के घर में हो गई। फिर ये चार बजे के लगभग कृपावती सेन, प्रेमा तिवारी, लालजी तिवारी, ये तीनों लोग आके मेरे घर का सर सरिया सब्बर हथौड़े से मेरे घर का ये ताला तोड़े और अभद्रता पूर्वक जानलेवा हमले करके मेरे घर के अंदर घुस गए और मुझे घर से बाहर भेजने के लिए बोले, तू ये घर खाली कर दे, मैं नहीं तेरी जान मार डालूंगा, तेरे साथ बहुत गलत तरीके से अभद्रता से पेश आऊंगा। जबकि सर मैं साल भर पहले इस घर की छोटे लाल मिश्रा से घर रजिस्ट्री करवाई हूँ पैसे से खरीद करके, और सारे प्रूफ का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सहित है। मेरे घर का जो ताला तोड़ा गया, जितने लोग मिलके ताला तोड़े, जो लोग सब्बर हथौड़ा सरिया राड सब दे करके ताला तोड़वाए, यही तीन लोग थे और मेरे घर का जो ताला तोड़े हैं उसकी वीडियो मेरे पास प्रूफ है। मैं थाने गई थी सर, तो चौकी प्रभारी महोदय ने, मैडम ने मेरी रिपोर्ट उस दिन बोली कि लिख के दे दो, कल इसकी कार्रवाई होगी और तुम्हारे घर में जो ये जबरन घुस गए हैं तो कल हम इनको निकालेंगे, आज रात किसी तरह की बिता लो आप। फिर जब मैं वहाँ से आई, दूसरे दिन मैंने वहाँ पे गई तो मैडम जी बोली कि कुछ, मैडम बोली ही नहीं, तीसरे दिन मैंने वहाँ पे बोली कि आओ तुम रिपोर्ट लिखवा लो, और वो जब रिपोर्ट लिखवाई तो मुझे 31 दिसंबर को तो वो बोली कि जैसा मैं बोलूँगी वैसा तुम रिपोर्ट लिखो, अपने मर्जी से ना लिखो। मैं उनको बोली कि मैडम जी जो मेरे साथ घटना हुई है वो मैं लिखूँगी, तो वो बोली कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा तुम लिखो। शासन के अति महत्वाकांक्षी सेवा 108 के कर्मचारी कलेक्टर का ज्ञापन सौंपे हैं। बताई दी कि संजय गांधी अस्पताल में मरीज लेके पहुंचे वाले स्टाफ के साथ निजी एम्बुलेंस संचालकन के दलालन के द्वारा मारपीट की गई रही है। ज्ञापन सौंपे वाले कर्मचारी यह बताएं कि मरीजन का लावे ले जाए के बीच में उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की जाती, शासन मरीजन का मुफ्त में उनके घर से अस्पताल पहुंचावे के सुविधा देत लागी। एके बावजूद अगर कोनो मरीज का उनके द्वारा रीवा से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र या घर छोड़ा जाता है तो एम्बुलेंस संचालकन के द्वारा उनका यह कह के परेशान की जाता है कि वह मरीज के नंबर उनके पास है और उनसे बात भई ही। बताई दें कि सगला मामला निजी एम्बुलेंस संचालक के मोटी कमाई के खाई के आए, जिसके द्वारा मनमानी कही के शासकीय एम्बुलेंस संचालकन का परेशान की जात लाग है और मरीजन के परिजन से लूटा जात लाग है। आइए अपना पंचे सुनी एम्बुलेंस स्टाफ का जानकारी दी नहीं। मैं इन मांगों को लेकर आया हूं कि वहां हम लोग संजय गांधी हॉस्पिटल में रहते हैं, हमारा काम है पेशेंट को लेकर आना लेके जाना, लेकिन उसमें जो उनके दलाल प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक है वो परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि आप पेशेंट क्यों लेके जा रहे हो, ये मेरा पेशेंट है, इसका नंबर मेरे पास है, और गाली गलौज करते हैं। उनके जो दलाल हैं अंदर बैठे रहते हैं, हर पेशेंट के पास एक दलाल रहता है, वो मारपीट करता है यहाँ कि ये मेरा पेशेंट है, मैंने इसको पैसे में बात की, आप फ्री में कैसे लेके जा रहे हो, मुंह मांगे पैसे पे लेके जाते हैं लोग। आप बताइए हमारी फ्री सेवा तो हम फ्री सेवा क्यों ना दें। हाँ, शिकायत मैंने अपने विभाग में की है और आज मैं कलेक्टर महोदय के सामने आया हूँ ज्ञापन देने के लिए कि हम लोगों के साथ गाली गलौज होता, मारपीट। आज अभी सुबह सुबह मेरे पायलट है कि संदीप तिवारी, इनके साथ अभी अभी की घटना हुई है, जस्ट मारपीट हुई है संजय गांधी में सुबह। अभी पेशेंट एक बच्चा, फालू आपका बच्चा था, बच्चा आया था चेकअप के लिए, उसको छोड़ने जाना था, है ना, कॉलर ने फोन लगाया 108 में, 108 के द्वारा इनको गाड़ी अवेलेबल हुई, ये लेके चल दिए, तो ये लोग उसे हाथापाई किए कि आप क्यों लेके जा रहे हो पेशेंट, मेरा पेशेंट आप नहीं ले जाओगे तो मुझे वो पैसा देके जाएगा, ऐसा थोड़ी सरकारी सेवा अगर चल रही तो किसके लिए सरकार चलवाइएगा, फ्री सेवा निःशुल्क सेवा, सेवाएं बाधित की जा रही। अब ऐसे हम लोग कैसे काम करें, अकेले रहते बताइए किससे किससे हम लोग लड़ाई झगड़ा करें। ये जो पैसा लेने का वीडियो वायरल है, ये कथा कथित है, ये उन्हीं का ड्राइवर है जिसने बोला है पैसा देने के लिए, वो गुड़ का है, उन्हीं के परिवारजन है, उन्हीं के ड्राइवर है। ये जब तक हमारा निदान नहीं होगा, कितने कर्मचारी आप यहाँ पर, कम से कम नहीं तो देख लीजिए आप 150 कर्मचारी हैं, इतनी एम्बुलेंस खड़ी है हमारी, समस्त जिले के कर्मचारी हैं, कैसे ऐसे काम चलेगा। हमारी 108 आती है, हमारी 108 कहीं आती है,
कुछ सेवाएं दे भी रहे, कुछ आती हैं, तो उनको आप खड़े क्यों यहाँ जाइए? अच्छा ये बताइए, मुझे उसको एडमिट कराना पड़ता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं गाड़ी खड़ा करने में। पार्किंग वाले हमको गाड़ी नहीं खड़ी करने देते संजय गांधी, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ गाड़ी खड़ी करिए आप बताइए। आश्वासन नहीं मिलता है तो एम्बुलेंस हड़ताल की जाएगी, सेवाएं बाधित की जाएगी अगर हमारा ठोस कार्रवाई नहीं होती तो। जब इतने कम हम लोग अपनी जान नहीं देंगे भाई, अकेले रहते हमको जान को खतरा है, हमको जान को खतरा है गाड़ी को दौड़ा दौड़ा भाई, दौड़ा दौड़ा के गाड़ियों को रोकते हैं आप। हम पेशेंट लेके जा रहे हैं, हमको दौड़ा दौड़ा के रोका जा रहा है कि आप प्राइवेट लेके जा रहे हो, पैसा में लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं। बताइए मैं अकेले कैसे सेवा दे पाऊंगा? ड्यूटी तो हमारी अकेले की रहती है, मैं किस किस से झगड़ा करूं, कहां कहां मारपीट करूं, किससे शिकायत करूं? मेरी मांगे हैं कि ये जो सेवाएं सुचारू रूप से अगर चलानी है तो वहां पे जो दलाली होती है, जो ये एम्बुलेंस संचालक लोग हैं, ये मारपीट करते हैं, ये बंद हो जाए, उनको बाहर निकाला जाए, बिल्कुल बाहर निकाला जाए वहां से। हमारी हॉस्पिटल में चारों तरफ घूमते हैं, जननी ऑफिस में अंदर जाते हैं, हर पेशेंट के पास जाते हैं, इनको अंदर बिल्कुल प्रवेश न दिया जाए, इनको परिसर से बाहर किया जाए। आज खातिर इतने, विंध्य मां बघेली के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।